नारी में परसों नई स्कीम लागू की गई है जिसका नाम जो अग्निपथ के जिसको स्कीम का नाम दिया गया है सर। और हमारा हमारी एक से डेढ़ साल पहले भर्ती हुई थी जिसका हमारा एग्जाम रह गया था सर। फिट कैंडिडेट सर, ग्राउंड क्लियर किया, मेडिकल फिट हुआ सर। उसके बाद हमें एक तारीख दी गई 25 अप्रैल की जब हमारा एग्जाम था सर। उसको कोरोना का दावा देके उसको इनने पोस्टपोन किया और उसके बाद 6-7 तारीखें हमें दी गई। बार बार ये कहता गया आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होगा सर। लेकिन हर बार कोरोना का हवाला देके इन्हें उस एग्जाम को पोस्टपोन किया सर। और परसों जो नई स्कीम इन्हें लाई है वहाँ पर इंडियन आर्मी के चीफ स्टेटमेंट देते हैं कि जो भर्ती भी भर्ती हैं वह रद्द की जा रही हैं और अब जो भी भर्ती होगी टीओडी के तहत होगी। और टीओडी में ऐसा है कि 4 साल के लिए सर्विस मिलेगी, उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। कोई इनको सेवा नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी, कैंटीन फैसिलिटी मिलती थी सर, मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, पेंशन फैसिलिटी मिलती थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर। हम इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है और हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। अब आप और इंडिया आर्मी एग्जाम कंडक्ट करें, ये हमारी मांग है और हम लड़ेंगे इसके लिए, अपनी जान कुर्बान करेंगे सर। 16 साल की नौकरी करके रिटायर होता है, प्रमोशन भी लेता है, कोई सूबेदार बनता है, कोई हौलदार बनता है, इन्हीं नौजवानों से बनता है, जेसीओ बनता है, सूबेदार मेजर तक सिपाही भर्ती होता है तो बनता है। लेकिन ये 4 साल की पॉलिसी लेकर के चल रहे हैं, 4 साल की पॉलिसी से क्या होगा? क्या देश की सुरक्षा ये कर पाएंगे 4 साल की पॉलिसी से? क्या सभी रोजगार, सभी को रोजगार दे पाएंगे? वो जो फिजिकली फिट होगा, मेहनत करके जाएगा, कौन 4 साल के लिए मेहनत करेगा? फिर तो इससे बेहतर है रेडी लगा लेना, फड़ी लगा लेना। इस सरकार की पॉलिसियाँ गलते हैं, इन्होंने की नौबत आ गई है, पॉलिसियाँ ये बना रहे हैं, गलत पॉलिसियाँ बना रहे हैं। आज नौजवानों को दर दर की ठोकरें हैं, कोई रोजगार पॉलिसी इनकी क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। अब इन्होंने ये चीज़ निकाली है, इससे नौजवान खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, युवा का विरोध है।